रहे हैं और आज तो भिवाड़ी में केवल कबड्डी और बॉक्सिंग दो प्रकार के खेलों का ही आयोजन, जिसमें तकरीबन 1000 के आसपास ये खिलाड़ी शामिल हैं। 3 दिन तक ये महाकुंभ का मेला चलेगा, क्योंकि दूसरी जगह अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में लगभग 6 जगह इसी प्रकार के आयोजन हुए हैं। मैं ये मान के चलता हूँ खेल से न केवल शरीर ठीक होता है, बल्कि जो खेल में ठीक होगा उसकी बुद्धि भी ज़्यादा काम करेगी, एजुकेशन में भी आगे बढ़ेगा। और अब तो धीरे धीरे पंजाब जैसा प्रदेश जो नशे में डूब चुका था, उसके ठीक विपरीत इस खेलों की वजह से आम परिवार भी, मैं मानता हूँ गांव का भी आम परिवार, जो बच्चे खेलते हैं उनके माँ बाप वो भी जुड़ चुके हैं। आप सुबह सुबह देखोगे 4 बजे किसी गांव में, किसी सड़क पर, किसी स्टेडियम में जगह नहीं मिलती और एक होड़ लगी हुई है। और हमें उम्मीद है कि इस प्रकार की होड़, जिस प्रकार तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं, एक दिन ये हरियाणा प्रदेश दुनिया में खेलों के नाम पर अपना नाम कमाएगा। अमित कुमार का भी निधन हुआ है। अरे बड़ी शौक की बात है, किसी को नहीं लगता था, क्योंकि हमारे वो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर भी थे। केवल उनके पास उर्वरक का महकमा नहीं था, हर मीटिंग में वही स्टेज को बतौर सेक्रेटरी, स्टेज सेक्रेटरी भी हमारी हर मीटिंग में हर मंगलवार को वही संभालते थे। और किसी को लगता भी नहीं था कि बीमारी इनके नज़दीक है। ये तो अचानक एक बीमारी कैंसर के रूप में फेफड़ों में आई और 2 महीनों में ही सारा कुछ चला गया, और एक बहुत बढ़िया किस्म के, ये मान के चलो कि हर आदमी, हर MP उनसे मिलकर खुश होता था। किसी भी बात को लेकर हम जाते थे, खाद की कमी, कोई बीज की कमी, इस प्रकार की, खास करके केमिकल फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट उनके पास था। और उनके आने के बाद आपने देखा कि इस प्रदेश में नहीं बल्कि देश में कहीं लाइन नहीं लगी, ऐसे इंसान के जाने से बहुत क्षति है। मेवात में कोचों की बहुत भारी कमी है। अरे जब आप जैसे शामिल हो गए थे, कोच और ज़्यादा होंगे यार, कमाल करो आप तो। मेवात में मान के चलता हूँ प्रदेश के साथ साथ मेवात भी बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है हर चीज़ में। ठीक है।